हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। और इस्टे क्विर्की ब्रांड के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, काफ़ी फेमस है, जो कि आपको पर्पल ऐप पे, पर्पल की साइट पे मिल जाता है। तो आज उसी के एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ। तो जो वो प्रोडक्ट है वो है इस्टे क्विर्की का एक कॉम्पैक्ट पाउडर। तो आज इसका रिव्यू होने वाला है। तो अगर आप जानना चाहते हो ये कैसा काम करता है, कैसा है, क्या है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो ये ऐसे बॉक्स में आता है, इसमें ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं है, बस इसमें मेंशन है लुक हॉट बट स्टोर दिस इन अ कूल प्लेस। तो ये इसमें मेंशन है, बाकी कुछ ज़्यादा कुछ मेंशन इसमें है नहीं। तो ये ऐसे बॉक्स में आता है। तो चलिए इसको ओपन करके देख लेते हैं। मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ 4-5 बार, तभी इसका रिव्यू कर रही हूँ। तो ये अंदर से दिखने में कुछ ऐसा है, ऐसी पैकेजिंग आती है जो कि बिल्कुल स्टूडियो फिक्स के कॉम्पैक्ट पाउडर जैसी है, काफ़ी कुछ सिमिलर है, बस साइज़ में थोड़ा डिफरेंस। इसकी जो क्वांटिटी है वो है 9 ग्राम और इसका जो प्राइस है वो है 249 रुपीज़। और अभी आपको पर्पल पे 35% ऑफ पे सिर्फ 162 रुपीज़ का मिल जाएगा। तो चलिए इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो जैसे नॉर्मली कॉम्पैक्ट पाउडर होते हैं वैसे ही है ये, पर थोड़ी अच्छी पैकेजिंग है। आपको लगेगा नहीं कि ये प्रोडक्ट सिर्फ मतलब बिना डिस्काउंट के 250 रुपये में मिलेगा। 250 रुपये लायक इसकी पैकेजिंग नहीं है, काफ़ी अच्छा महंगा प्रोडक्ट है दिखने में। तो इसको ये ऐसे मैं ओपन कर लूँगी तो आपको एक अच्छा सा बहुत सॉफ्ट सा पफ मिल जाएगा। ये गंदा इसलिए है क्योंकि मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ। तो ये भी काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत अच्छे से चेहरे पे आप इससे अप्लाई कर सकते हो। कोई भी ब्रश या अलग से पफ यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। साथ में मिलेगा ये आपको प्यारा सा मिरर। तो इसके टेक्सचर को भी देख लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सस्ता है तो टेक्सचर काफ़ी रफ हो, ये इतना वेलवेट सिल्की टेक्सचर है इसका, बहुत अच्छे से ये स्किन पे अप्लाई हो जाता है। देखिए, एक और अच्छी बात इस प्रोडक्ट की मुझे ये लगी कि इसमें बिल्कुल भी फ्रेग्रेंस नहीं है। मार्केट में कई सारे कॉम्पैक्ट पाउडर आते हैं जिसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा तेज होती है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, पर इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है, जो इसकी मुझे सबसे अच्छी बात लगी। ये कॉम्पैक्ट पाउडर आपको 4 शेड्स में मिल जाता है। मेरा जो शेड है वो है बेज बेब 3। तो अगर आपका कॉम्प्लेक्शन मेरे जैसा है तो आप ये वाला परचेस कर सकते हैं, पर इसमें 4 शेड्स अवेलेबल हैं। तो जो भी आपका स्किन टोन हो उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसमें माइक्रोटैल्क, जिंक, कैल्शियम कार्बोनेट, टाइटेनियम, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, पर ये इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि इसमें पैराबेन या पैराफिन हो। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इस्टे क्विर्की के कोई भी प्रोडक्ट में पैराबेन नहीं है, सारे प्रोडक्ट्स पैराबेन फ्री हैं। इसके साथ ही इसके जो और सारे बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि ये मैट फिनिश लुक देता है, लॉन्ग लास्टिंग है, सन से प्रोटेक्शन करता है, स्किन को ब्राइटन बनाता है, स्वेट प्रूफ है, ट्रैवल फ्रेंडली है। तो ये सारे इसको अप्लाई करने के बेनिफिट्स हैं। साथ ही साथ ये सारे स्किन टाइप्स वालों को सूट करता है, मैट फिनिश है, तो ऑयली स्किन वालों के लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छा काम करेगा। इसकी कवरेज की बात करें तो ये मीडियम टू हाई कवरेज आपको दे देता है। तो चलिए अब इसको अप्लाई करके भी देख लेते हैं कि ये कैसा काम करेगा। तो इसको डैप करके आप अपने पफ में ले लीजिए और डैप करके स्किन पे लगाइए, रब बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप जितना डैप करके लगाओगे ना उतना ये ज़्यादा अच्छा कवरेज देता है। ये क्या कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर हो, आप उसको डैप करके लगाओगे तो बहुत अच्छा कवरेज देता है। काफ़ी अच्छे से अप्लाई हो जाता है, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से ये अप्लाई हो जाएगा। और आप देख सकते हो कितनी अच्छी कवरेज ये दे रहा है। अगर आप समर्स में ज़्यादा मेकअप नहीं करना चाहते हो तो सिर्फ इसको लगा के आपका काम हो जाएगा, फाउंडेशन बीबी सीसी क्रीम लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो मीडियम टू हाई कवरेज आपको देगा। साथ ही साथ मुझे इधर थोड़े डार्क स्पॉट्स थे वो भी इसने
कुछ हद तक कवर कर दिए, तो ये काफ़ी अच्छा काम किया। मुझे तो ये बहुत पसंद आया, मैं इसको 8-10 दिन से यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा काम करता है। और अगर आपको एक अच्छा, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ प्रोडक्ट लेना चाहते हो, कॉम्पैक्ट पाउडर की ज़रूरत है, तो आप इसको ज़रूर परचेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी परचेसिंग लिंक दे दूँगी। और आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।